की तरह भी सुना लेना, जल्दी खत्म भी हो जाएगी और कामकाज में भी लग जाना, ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी ईद अच्छी हो जाएगी। अब्बू हम हर बार दो पारे सुनाते, इस बार भी हम दो ही पारे सुनाएंगे, पांच पारे हम नहीं सुना पाएंगे। एक मरतबा सुनाया था लॉकडाउन में, कुछ समझ में आता नहीं पांच पारे में। क्या समझ में नहीं आता? सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों हाफिज सुना रहे हैं और तुम कह रहे हो समझ में नहीं आता। अब्बू हम मानते हैं सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों लोग सुना रहे हैं, लेकिन अब्बू तरीका सही नहीं है, कम से कम एक पारा सुनना चाहिए। हम तो फिर भी अब्बू दो पारे सुनाते हैं, अब्बू कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है, तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। हाँ हम हैं मनहूस अब्बू, मनहूस नहीं, हमको गाली भी दे लीजिए, मार भी लीजिए, लेकिन अब्बू माफ करिए, हम सुनाएंगे सिर्फ दो ही पारे या उससे कम सुनाएंगे, पांच बारे नहीं सुना पाएंगे। हमको देख हाफिज होकर के अब्बू इस बात की गवाही दे रहे कि कुरान कुछ नहीं समझ में आता है। अब्बू आप खुद बताइए, सवा घंटे डेढ़ घंटे में पांच पारे तरावी रकातों के साथ कैसे पूरी हो जाती है, जिसमें से आधे लोग बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा, कोई चाय पी रहा, अब्बू आधे लोग बैठे रहते हैं जब इमाम सब रुको में जाएंगे तब जाएंगे। हम जानते हैं ना अब्बू को किस तरीके से तरावी पढ़ी जाती है। अब्बू कुरान को उसकी अदायगी के साथ ना पढ़ना कुरान लानत भेजता है, तरावी पढ़ने वाले पर भी, तरावी सुनने वाले पर भी, जो सुना रहा है उस पर भी, जो सुन रहा है उस पर भी। हम अब्बू आपकी गाली खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन कुरान की लानत नहीं लेंगे अपने ऊपर। वाह बेटा वाह, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि पांच पारे की तरावी सुन के अपने कारोबार में लग जाएं, और एक तुम, तुम्हें कोई कारोबार की फिक्र ही नहीं है। अब्बू हम मानते हैं कि कारोबार जरूरी है, लेकिन अब्बू आपको सोचिए, साल में एक बार रमजान आता है, 365 दिन में हम लोग 20 दिन 15 से 20 दिन अल्लाह की इबादत के लिए निकाल सकते, उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमको ये जिंदगी दी है। अब्बू सोचिए हम लोग कितने खुश नसीब होते कि रमजान तक पहुंच जाते हैं, कितने तो बेचारे ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और अभी कितने लोगों का इंतकाल हो जाएगा अब्बू, उनको खुद नहीं पता होता है, और हम लोग रमजान की इतनी बेदबी करते हैं। रमजान में एक तो रोजे भी नहीं रखते हैं और तरावी पढ़ते, तो अब्बू इस तरीके से पढ़ते कि पांच पारे के सुन के आ जाते हैं। क्या फायदा अब्बू हमारे, गुनाह लदवा के आ जाते अपने ऊपर। तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है, अब तू दो पारी की नहीं, अब तू एक पारी की तरह भी सुनाएगा।